of the placement cell to our today's workshop on combined defense services, government job and CAT preparations in association with GPrep Institute. Today we have with us Mr. Amrinder Kumar. He is co-founder and director of GPrep Institute. He is CAT trainer and guided students for last 20 years in content logic reasoning to clear their dream exam of CAT, UPSC, SSC and bank exams. He is invited to judge different maths competition in India and did masters from Delhi University. He has taken more than 500 workshops, not for only students but also for teachers. GPrep Institute is a leading and dynamic institute for providing quality education to the aspirant appearing for various common jobs, SSC, defense, bank, as well as entrance exam for management, law, and for both undergraduate, JAT, CLAT, SAT, and postgraduate level. Now, I would like to request Ujwal to felicitate our speaker. Sir, please come on stage. First of all, I thank the Rajdhani College Placement Cell for calling me for this workshop. Time बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, कहीं की बातें करें। प्रॉब्लम प्लेसमेंट का सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि कौन सा करें और कब करें और कितने टाइम पे करें। That is the basic requirement. इंडिया में अगर कभी आपने इसको समझ लिया ना तो प्लेसमेंट की दिक्कत है ही नहीं। जो भी आपको प्लेसमेंट चाहिए, जो भी मतलब जो चाहिए रिक्वायर्ड है, मैं एक दो मिनट में चेक करना चाहता हूँ कि कौन से लोग क्या चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं इसमें जो कैट के थ्रू आईएम को जाना चाहते हैं, आईएम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, फ्यू हैंड्स आर देयर, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितने लोग ऐसे हैं जो डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, CDS, एफ कैट, बहुत सारे डिफेंस वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सीधा सीधे कट ऑफ की बात करूंगा, मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि एक बार अगर हमने कट ऑफ पे काम कर लिया, कट ऑफ के सिस्टम को काम कर लिया, तो इंडिया में कोई भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मैं वर्कशॉप लेता रहा हूं बेटा, और आप जैसे बच्चों से टाइम टू टाइम कई बार सेशन बदल जाता है, कई बार प्लेसमेंट सेल से आ जाती है, कई बार सोसाइटी से आ जाती है, कई बार मास मास वर्कशॉप होता है, चाहे वो रेगुलर कॉलेजेस हो, चाहे वो यूके एनसीवेफ का हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बात हो, मैं इन पे काम करता रहता हूँ। तो मैं सीधा सीधी बात करता हूँ, एक दो चीज और जानना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, बैंक में जॉब चाहते हैं, फ्यू हैंड्स आर आल्सो देयर, बहुत अच्छी बात। कितने लोग हैं जो एसएससी टाइप के जॉब को करना चाहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भी बहुत पावरफुल जॉब है। कितने लोग हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं जो मिल जाए वही कर लेंगे, मल्टीपल कार्ड ऑन द 14th फरवरी, जो मिले उसको दे दो, जिसमें तक हो जाए मामला बना ले, ठीक है। तो ये है कि उनमें थोड़ा थोड़ा डाउट है, उसमें एक पे फोकस करोगे जल्दी मिलेगा, दो तीन पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन, हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो 10 मिनट का सेशन है वो कट ऑफ राउंड की बात करेंगे, और फिर कैसे करेंगे कि क्या इस सेशन से हम अचीव कैसे करें, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा पढ़ के भी देखेंगे आज, तो ये चीजें हैं जहां पे हम लोग काम करेंगे, थोड़ा सा कट भी रहा है। एक सीडीएस है जिसको हम लोग फोकस करेंगे, जो लोग डिफेंस करना चाहते हैं, इंडिया में सबसे हल्का जॉब है, सबसे आसानी से हो सकता है, एफकैट बहुत पावरफुल है, वेरियस स्टेट्स है सीडीएस के लिए, वेरियस स्टेट्स है एफकैट के लिए। कैट और एनटी तक आते हैं, एक एक करके स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो है ये सीडीएस के कॉलेज है, जैसे ये राजधानी कॉलेज है आपका, वैसे ये सीडीएस की जब आप पढ़ाई करने जाएंगे तो ये हमारा कॉलेज है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जहां से हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये हमारा एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद, ये तो ऐसी एकेडमी है जो लंकिनी की इंडिया की हो सकती है, बट नाम भी इसका देखो, आप खुद स्पेलिंग पढ़ लेना, ऐसे जगह ये नेवल एकेडमी है जहां पे आप ट्रेनिंग लेते हैं, जहां पे आप सिस्टम को देखते हैं, जहां पे आप प्लान करते हैं। ये ओटीए चेन्नई है। अब मैं काम की बात ये बोला था कि स्लाइड पे वहीं पे काम करेंगे जहां मेहनत की बात है। 20 to 24 ईयर एज है
जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, जो लोग भी इसको प्लान करना चाहते हैं 20 to 24 ईयर्स में कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जब आप सेकेंड ईयर के बाद फाइनल ईयर में जैसे जाते हैं, आप इसके एग्जाम दे सकते हैं, अपीयरिंग टाइप का एग्जाम दे सकते हैं। साल में दो बार होता है, और दो बार में दिक्कत क्या है इसमें कि आपका कभी क्लैश नहीं होता। जैसे अभी अगर आपका एग्जाम मई में हो रहा है या जून में हो रहा है, डीयू का एग्जाम मई में हो रहा है या नवंबर दिसंबर में हो रहा है, तो क्लैश नहीं होता। इनका एग्जाम फरवरी में होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है, तो आपके पास बहुत सफिशियंट टाइम होता है जिस टाइम के बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं तो ये आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। और वैसे भी देखो, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है इंडिया में, क्लास वन जॉब जिसको भी लेना है, तो देयर द ओनली वन वे टू गो टू गेट इट फ्रॉम द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपको बताया क्लास वन जॉब आती है, और क्लास वन जॉब चाहे आप आईएएस बनना चाहो, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, अराउंड 85,000 के आसपास इनकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर आप इनके थ्रू बात करते हो। इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, चार ही सब्जेक्ट पूछा जाता है, मैथ्स जिसको आजकल नाम बदल करके क्वांट कहते हैं, ठीक है ना बेटा, लॉजिक रीजनिंग और इंग्लिश, वर्ब अवेलेबिलिटी कैट में हम लोग बोलते हैं। हाँ, एक जीके जो है ना, ये थोड़ा सा अजीबो गरीब टाइप का, किसी में रिटर्न में आ जाता है, रिटर्न में नहीं आएगा तो कैट के एग्जाम में आपको वो ओरल में पूछ लेंगे, इंटरव्यू में पूछ लेंगे, एसएसबी के टाइम में पूछ लेंगे, इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो आप समझ लो कि तीन तो बहुत सॉलिड है जिसको आपको प्रिपेयर करना है, और एक जो जिस साइड से हो, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी, उनका हम कर सकते हैं, उनको हम लोग प्लान करके कर सकते हैं। तो यही वाली बात है, यही सारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट की बात तो समझ में आ गया ना, कुछ भी एग्जाम देना है, एसएससी देनी है, सीडीएस देना है, बैंकिंग देनी है, तीन चार सब्जेक्ट पढ़ना है। एक छोटा सा पार्ट लेके आया हूं मैथ्स का, कि देखते हैं कि बिना पेन पेंसिल के। अच्छा, एक बात इससे पहले पूछ लेता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, हाथ उठाएंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, अच्छा गोभी इसमें क्या फर्क है मैं बताऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, अच्छा कही है, ठीक है। एक बात तो मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 10 से 15 मिनट में, ठीक है ना, 10 से 15 मिनट में हम मैथ्स को बिना पेन पेंसिल से करने की कोशिश करते, ठीक है, बिना पेन पेंसिल के करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन था, अच्छा एक एग्जाम में क्या होता है, एक बैरिकेड्स होता है 40 सेकंड टू 60 सेकंड, 40 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के बीच में आपको क्वेश्चंस करना होता है। अच्छा, चैप्टर्स कहां तक के आते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो चैप्टर्स आते हैं वो 10 तक ही आते हैं, 10 तक का मैथ आता है। हाँ, कैट में कुछ 11 12 के चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी है, रिलेशन फंक्शन आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखो, हम सबने देखा हुआ है, ऐसे इंफिनिटी तक क्वेश्चंस होता है। अब इनको करने का एक तरीका तो वही है, जिन्होंने 11 12 से मैथ पढ़ी है, जिनको मैथ खूब आती है, 10th में क्वालिटी क्वेश्चन ये चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस पिक होके आता है, ऐसे वाले को एक्सलेट करते हैं, क्योंकि सर ये अनूठा तरीका है, मैथ पढ़ाने वाला टीचर बिना पेन पेंसिल का, मैथ पढ़ने वाले बिना पेन पेंसिल के, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जिस दिन रिदम आ गया, 50% क्वेश्चन आपने ऐसे टैकल कर लिया, तो इंडिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाओगे। इनका नॉर्मल और शॉर्टकट तरीके, वो एक वक्त भूल जाओ जो पढ़ा हुआ है ना, थोड़े टाइम डिलीट बटन है अगर दिमाग में तो मारो, क्वेश्चंस सीखे, 20 को क्या करो, पॉसिबल फैक्टर्स में लिखो। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 into 20 ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 into 10 और क्या लिख सकते हैं, 4 into 5। इसमें से आप पिक करो कि विच ऑफ देम इज कॉन्जिक्यूटिव, लगातार कौन सा है, 4 और 5, तो जो ग्रेटर वाला है, कौन सा ग्रेटर वाला है, 5, दैट इज आंसर। समझा पाया, 20 को कैसे हिंदी में बोलते हैं, 20 को कैसे लिखेंगे, 1 into 20, 2 into 10 और 4 into 5, लगातार कौन सा है, 4 और 5, जिसके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। इनमें जो ग्रेटर है, 4 और 5 में ग्रेटर कौन सा है बताओ, 5 to 5 आंसर। तो समझा पाया ना, ये तरीका क्लियर है, कैसे करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में लाकर आंसर है। अच्छा, अब मैं अगर ऐसा ही अगला क्वेश्चन, तो कितने लोग हैं जिनको लगता है कि कर पाए, अच्छा इतने लोगों को लगता है कि कर पाए बिना पेन पेंसिल के, ठीक है मैं चेक कर लेता हूं, हैंड रेज करना है, ठीक है, बोलना नहीं है, हैंड रेज करना है, ठीक है। यही बोला ना कि कई बार तो हम ऐसे सेटल करेंगे क्वेश्चन 5, 6, 30, आंसर क्या जाएगा, 6, ठीक है ना बेटा। अगला फटाफट एक और करते हैं आंसर, बस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी टाइम है 5 सेकंड, ठीक पर सकती है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर 2, बहुत सिंपल।
14 को डिवाइड करोगे तो 1 का कोई भी पावर करेंगे तो इस हिसाब से हम लोग 1 कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगला ये भी वही जैसे सब लोगों ने लिस्ट वॉच डाली हुई है, एक बात बताओ अगर जैसे अभी बज रहा है 1:05, 1:05 हो रहा है मेरे इसमें, मिनट और आर के हैंड के बीच में कितने का एंगल बने? 13 ना देखो इनका तरीका बताता हूँ, जैसे कभी लगे ना 0 degree, जैसे 1:05 पे क्या लगता है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना कि मिनट और आर हैंड बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही आ गया, 5 भी 1 भी वही आता है, 5 भी वही आता है। तो ऐसे वाले का एक शॉर्टकट टेक्निक है हमारे पास, जो लास्ट नंबर है ना 1 नहीं 5 0 5, जो मिनट टाइम है ना उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को हाफ से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 2.5, ये एंगल 2.5 degree हुई। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रियली एक्सप्रेस सिंसियर थैंक्स टू अवनिंदर कुमार एंड हु हैज गिवन अस टाइम टुडे विद यू एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर यू Amrinder, thank you very much. I really express sincere thanks to you because you came after getting. I know you would be very active at several places. So it's really we are fortunate. Radhani colleagues would like to express thanks to you. And in future, so please clap for Amrinder. So thank you very much and wish you all the best.